हमारी श्रीनगर से गुलमर्ग तक की ड्राइव स्टार्ट हो गई। एंड अगेन ये एक और बहुत अच्छी ड्राइव थी, क्योंकि रोडें बहुत ही ज़्यादा सीधी अच्छी बनी हुई एंड ब्यूटीफुल व्यू के साथ थी। यहाँ पर भी ड्राइव करना बहुत आसान है, क्योंकि 47 किलोमीटर की सिर्फ ड्राइव है श्रीनगर से गुलमर्ग तक की, जिसमें आपको 30 से 35 किलोमीटर एकदम सीधी रोडें मिलेंगी। उसके बाद आपको एक टोल मिलेगा, जिससे पहले कुछ लोग आपको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। ये लोग आपको बोलेंगे कि ये आपको जगह है शो करेंगे, आगे आप अकेले नहीं जा सकते एंड आपको चीज़ों की नीड पड़ेगी, शूज़ एंड ऑल, वो आप ऊपर जाके भी ले सकते हैं। एंड ये लोग बोलेंगे आपको गाइड की नीड है, बट बेसिकली आपको कोई ऐसे गाइड की नीड नहीं है, अनलेस और अनटिल आप लाइन में लग के टिकटें नहीं खरीदना चाहते तो, क्योंकि ये वहीं आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और ये आपको गाड़ियाँ बार बार ऐसे रोकने को बोलेंगे कि आपको वो लगेगा कि कोई आपको चेकिंग के लिए बोल रहा है, तो आप इनको अवॉइड करके सीधा जाइए। और आर्मी वाला अगर कोई बंदा ना दिखे आर्मी की ड्रेस में, तो गाड़ी कोशिश कीजिएगा कि मत ही रोकिएगा। ये आपसे टोल खरीदने के लिए पैसे बोलेंगे कि आगे लाइन लग रही है और हम आपके लिए टोल ले आते हैं, उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे। टोल लेने के बाद 1 किलोमीटर के अंदर रोड थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी एंड रोड थोड़ी सी कर्वी स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी रोड पे ड्राइव करना बहुत आसान होगा, क्योंकि यहाँ की रोडें काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं एंड काफ़ी वाइड भी है। बट हाँ, अगर बर्फ़ वगैरह गिर रही होगी तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना, क्योंकि तब स्नो चेन की नीड होगी। बट अदरवाइज़ अगर आप अप्रैल से लेके अक्टूबर तक में कभी भी आ रहे हैं, जब बर्फ़बारी नहीं हो रही, तो आप आराम से ऊपर पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप गुलमर्ग पे एंट्री करेंगे, आपको ब्यूटीफुल व्यू के साथ ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। यहाँ रोड पे काफ़ी ट्रैफिक होता है और गाड़ी लगाना एक थोड़ा सा स्ट्रगल का काम है। आपको जहाँ पर होटल मिलते हैं, जब तक आपको होटल उस एरिया में नहीं मिलेगा, तब तक आप बिल्कुल अंदर तक गाड़ी लेके नहीं जा सकते। हमें होटल नहीं मिला तो हमने गाड़ी एक जगह लगाई और हम चले गए सीधा गुलमर्ग में सबसे फेमस जगह गंडोला, जहाँ पर आप स्कीइंग एंड अदर स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। गोंडोला में जा रहे हैं तो अपने पास टाइम लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ में खड़ा होना पड़ सकता है, खासकर अगर स्नो का टाइम है तो। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऊपर स्नो एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाइन लग जाती है। यहाँ तक कि अगर आपको अलपत्री लेक भी जाना है, तो उसके लिए भी आपको पहले यहाँ से इसके सेकेंड फेज तक जाना होगा और वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं ट्रैक करके 2 घंटे की। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और बिल्डिंग के अंदर एक बार एंट्री लेने के बाद तो आपको और भी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में खड़ा होना पड़ता है। एंड यहाँ पर हर थोड़ी देर में किसी ना किसी की आर्गुमेंट हो रही होती है भीड़ में, या तो लाइन काटने की वजह से, या तो टिकट ना मिलने की वजह से, या तो टिकटों की लाइन में, या तो केबल कार के एंट्री की लाइन में, या तो किसी ना किसी बात पर आर्गुमेंट हो जाती है, चाहे वो थक्का मुक्की ही क्यों ना हो। तो कुछ लोगों के आर्गुमेंट कुछ ज़्यादा हीटेड हो गई थी, तो शायद लोगों का मूड भी ख़राब हो जाए। तो इसके लिए प्रिपेयर होकर आइएगा कि आप यहाँ पर जा रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही अंदर पहुँच जाएंगे, आपको काफ़ी देर खड़ा होना पड़ सकता है। इतनी भसड़ के बाद जो भी उन्होंने दिखाई है, बहुत ही ज्यादा भसड़ वाली जगह है और बहुत ही ज्यादा भसड़ हो भी रही थी। लेट मी वेयर सम शेड्स। अच्छा लग रहा ना? हाँ। तो अब हमें लकीली जहाँ भीड़ में लोग फंस फंस के जा रहे हैं, हमें 3 का अपना पर्सनल कैबिन मिल गया और इसकी एंट्री टिकट है 740 की। यस, फेज 1 की है 740 और उसके फेज 2 के लिए जाना है तो आपको अनदर कितने पे करने हैं? 950 तो आपको ऑलमोस्ट 1690 पे करने होंगे, ऐसा कुछ ना? यस बड़ी। अगर आपको 2 पूरे वो करने हैं, अगर आपको फेज, उसके बाद फेज 2 के बाद आप वॉक करेंगे 2 घंटे के, तो आप अलपत्री लेक तक जाएंगे, जो अभी स्नो की वजह से बंद है। एंड हमें यहाँ पर होटल नहीं मिल रहा है, वो मैं बाद में आपको वो बताता हूँ कि यहाँ बड़ी मुश्किल से हम अभी पहुंचे हैं गुलमर्ग। एंड लेट मी शो यू रेदर देन शोइंग व्हाट आई एम सेइंग, मैं बाद में बोल दूंगा, पर आपको जगह दिखाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट।
के साथ ड्रोन उड़ाते हैं चलते भाई। तो मैं डर गया कि ये कहीं सारा वो तो नहीं कर देंगे हमें, ये खुला रह जाए और हम लटक जाए बीच में। हम लोग फाइनली पहाड़ की ऊंचाइयों की तरफ जाते हुए पहली बार बर्फ में भाई साहब आए। अरे हाँ भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। पीवी को फिर भी स्नोफॉल नहीं मिली, लेकिन स्नो फिर से मिल गई। स्नो पहली बार मैंने इतनी सारी देखी है। हाँ, एंड सो क्लीन, एकदम वाइट चादर है। पर फिर से हानी हो रही, हम तीन ही बैठे गए। छह बंदे बिठा रहे इसमें, और इतनी कुत्ती भीड़ है, लेकिन जब हम तीन बैठे कोई आए नहीं। तो समझ लो, एंड और हमने लिटरली कुछ 80 या 100 लोग पीछे छोड़े। अगर कोई हमें हमने लाइन काटी है, और हमें थोड़े एक गाइड को बिना पैसे दिए, उसने हमें ऊपर तक मतलब उसकी हेल्प करी थी पैसे एक्सचेंज करने में कुछ। उसका वो कम था कैश, तो उसने हमें ऊपर तक साइड से भिजवा दिया, और कम से कम 200-250। वाओ, ये सारे घर देख, ये आर्मी के भाई, ये बंकर है। बंकर से ही सारे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, बंकर नहीं है, वो आराम से आदमी जा रहे हैं ना वहाँ पर। इट्स नॉट बंकर यार, रहने ये जूस टू भी लग रहा है। बंकर मुझे सुपर्ब है भाई, ये तो चादर में ढका हुआ है, सो ब्यूटीफुल। सो हम यहाँ पर गए थे, फास के पहुंच गए, मतलब जैसे भी हो, और बड़ा अच्छा लग रहा है। अब दिखाते हैं आपको अगला शॉट, गंडोला के ऊपर पहुंच के या बीच में, जो भी दिखेगा। क्या बोला तूने? गंडोला। गंडोला ना, गंडोला तो है, बोला मुझे बता, ठीक है, गंडोला ही तो बोला था मैंने, है ना। तो चलते हैं ऊपर, अच्छा लग रहा है। Move it. So, जो आपने स्टार्टिंग में जो ड्रोन का शॉट देखा है, वो मैं उड़ा रहा हूँ गुलमर्ग में। मेरे को काफी इस बात का वो था, डर था कि मैं यहाँ पर ड्रोन उड़ा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, बट फाइनली आई वॉज एबल टू डू इट। मैंने यहाँ काफी लोगों से वो करी है, बात करी है, और उन्होंने बोला कि मैं उड़ा सकता हूँ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग दैट ओनली, एंड देयर इट गोस। जगह है, जैसे मैंने ओली वाली वीडियो में दिखाई थी, ओली वाली फील है, पर ओली से ज़्यादा बड़ी पूरी वैली है। आप स्की कर सकते हैं, आप स्की, उसको क्या बोलते हैं, स्की, वाटर स्की, यस, ऐसे भी बोलते हैं, लेट्स गो अहेड विद इट। आई डोंट नो सर, अभी कोई भी नाम याद नहीं आ रहा, और तीन जो कटन को भी नहीं आ रहा, बाकी तो ऐसा नहीं है, ठंड में दिमाग जम जाता थोड़ा सा, तो वो भी है, स्की कर सकते हैं आप, स्नो बोर्डिंग कर सकते हैं, स्लेज वो आप वो कर सकते हैं, राइडिंग। तो ये फेज वन है यहाँ की, से मैंने पहले बताया 750 की वो है टिकटें है, और इसके ऊपर है सीधा, इसके ऊपर आ जाएंगे सामने की तरफ है, ये है इसका फेज टू, जिसकी टिकटें है एडिशनल आई थिंक 900 उसकी 50 की, तो उसकी टिकटें है 950 के आसपास की, और ऊपर और अफकोर्स आप और ऊपर जाएंगे और ऊपर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। एंड अनदर थिंग ये है कि उसके आगे ही अल्पत्री लेक से आगे है, और इसके लिए 2 घंटे की वॉक होती है, तो अभी इतनी स्नो है और कुछ दिन पहले भी गई है, तो वहाँ तक कोई अभी जा नहीं रह सकता, तो हमने भी यही वाली जगह प्रीफर करी अपने आज के स्टे के लिए। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट आई एम वेरी नर्वस, कैन आई फ्लाई अ ड्रोन इन प्लेस लाइक दिस। मैंने डल लेक में सुबह उड़ाया, वहाँ भी
वो था डरता, एक फट सी आवाज आई, मुझे लगा किसी ने गोली चला दी हो, हमने ड्रोन बुला लिया, शायद किसी ने लकड़ी काट ली होगी, लेकिन हम डर गए कि भैया आर्मी कंट्रोल एरिया है एंड ऑफकोर्स यू हैव टू रिस्पेक्ट द रूल ऑफ द आर्मी। यहाँ पर मैंने आके चार लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला आप उड़ा लो, तो मैंने उधर की वैली पर ड्रोन उड़ाया जो आपने शॉट ऑलरेडी देख लिए होंगे, और बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है। एंड बहुत जैसे ना बहुत बुरी भीड़ है, बहुत बुरी भीड़ है। हमें जो गाइड चार्ज कर रहा था एडिशनल, वो 800 से 500 रुपये के बीच में मांग रहा था कि मैं आपकी टिकटें ले आऊँगा एंड पॉइंट दिखाऊंगा। आई डोंट नो यहाँ क्या पॉइंट दिखाएगा वो, बट वो टिकटों के पैसे ले रहा था बेसिकली, और उसमें हमारे जो अमित भाई है तो वो काम आए, वो लाइन को काटते हुए आगे गए, टिकटें लेके आए, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर किसी से कनेक्शन बनाए। तो दिस टू पीपल बिहाइंड मी, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टू पीपल इज ये काफ़ी अच्छा मैनेज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मैनेजर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंपनी, देन काफ़ी अच्छे हैं। तो दोनों के साथ मैंने काम किया है, तो भाई अपना जैसे कोई भी कॉस्टिंग की बात होती है तो भाई मैनेज करता है, वैसे हाँ सोलो ट्रिप पे मैं खुद करता हूँ, लेकिन जब मेरे से प्रो कोई है तो लेट देम गिव अ चांस। एंड दिस गाय अगेन वेरी गुड विद कॉन्वर्सेशन एंड मेकिंग रिलेशनशिप, बोथ रिलेशनशिप मतलब इस चेहरे को ना बोलना मना कर हो जाता है ऐसा कुछ। हाँ जैसे भाई की कल भाई ने ना जो बोर्ड पे थी चार लाइन बोली होंगी और भाई ने कमरा दे दिया उसको, और ये भी बोला यू आर सो नाइस गाय, जबकि मैं 30 में बात कर रहा था, पर इट्स ओके। एंड इन्होंने फिर वहाँ पर लाइन बोला, किसी से बात करी, फिर ये ऊपर गए दूसरी साइड से, बहुत बुरी है, बहुत लोग लड़ाई कर रहे हैं, उन्होंने बोला आप आ जाओ और हम लाइन कट करके आगे पहुंच गए, और हम कम से कम 150 लोग से पर होंगे, वरना अभी हम आराम से नीचे होते हैं अभी पहुंचते। तो अफकोर्स हमने गलत किया, लेकिन यार अफकोर्स हम भी फंस गए, मैं आपको होटल रूम नहीं मिल रहा और हमें वापस भी जाना है। 8,000, 10,000, 15,000 ऐसे ऐसे रेट आ रहे हैं। एक तो हमें बेसमेंट में जहाँ पर ड्राइवर सो रहे थे उसने हमें वो रूम दिया और कहता उसके 7,500 रुपये प्लस टैक्सीज GST 12% विच इज नॉट रीजनेबल। तो मैं आपको आज गुलमर्ग में यही दिखा पाऊंगा क्योंकि गुलमर्ग से हम आगे जा रहे हैं। एंड अगेन अमी अस्तो है ना, अमी अस्तो जन्नत यही है। एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल माउंटेन, उसके पीछे धूप आ रही है ना, जो मेरे पीछे जो भी धूप आ रही है, अगर वीडियो में मैं इसको जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, जस्टिफाई हो रहा है वो शॉट पीछे का, यस तो बहुत ही प्यारा प्यारा हुआ, यू विल लव इट। अभी अप्रैल है, अभी मतलब आप लगा लो मार्च का एंड है, आई थिंक अप्रैल एंड तक भी शायद ये पूरी बर्फ रहे, अप्रैल एंड उससे आगे भी रहे, फिर थोड़ी ग्रीनरी शुरू हो जाएगी, तो भी आपको शायद यहाँ पर आना बताओ कि ग्रीन भी ये माउंटेन अच्छे लगेंगे। तो दिस इज गुलमर्ग गाइज एंड आई होप यू एंजॉयड इट। अभी मैं व्लॉग को एंड करूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि आगे मैं कुछ करूँगा नहीं करूँगा एक्टिविटीज़, बट आई होप आपको गुलमर्ग अच्छा लगा एंड यू आर प्लानिंग टू कम हेयर। वीडियो कैंड फिर ही बोलती हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड अबे इनको कुछ ना बताऊं तो इनको बोलना भी नहीं था। काफी ज्यादा मेहनत करता है एक हमारे जो ऑफिस में, अभी ये ट्रिप पे भी ना ये अपने ऑफिस के काम बैठ के कर रहा है, इसको छुट्टी नहीं मिली, हम दोनों छुट्टी लेके आए और इतना काम कर रहा है ना बैठ के अभी, ही इज अ वेरी गुड डिजाइनर एंड एन एनिमेटर। सो इसकी प्लीज जो मेहनत है उसे प्लीज अप्रिशिएट करिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब देखते क्या होता है एडिट पे, ऑफकोर्स बाबर बोलता हूँ मुझे उस पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा राउंड मारते और चलते हैं वापस। शेयर योर रिव्यू, शेयर योर रिव्यू, दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग, वेरी बैड थिंग। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी यहाँ पे बहस हो गई, अभी वो लाइन तोड़ के आगे जाने की कोशिश कर रहे थे जो कि हमने सुबह की थी, मगर बहुत ही बुरी बात है ये, चार लड़कियाँ 5 लड़कियाँ थी। ये सौरभ का कहना ये है कि शायद उनकी फ़ोटो अच्छी नहीं है इसलिए वो हमसे नाराज़ होकर बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो लाइन तोड़ने की ही कोशिश कर रही थी। एंड हमारे साथ ये आगे भी कुछ जो है जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनसे और उनको समझाया, चाचा भी आए थे उनको बहुत अच्छे से समझाया, तो इट वॉज समथिंग दैट वी डिड करेक्ट इन दिस डे टुडे।